जिन अखाड़ों में कुश्ती के दांव पेच सिखाए जाते थे, आज उनकी रौनक खत्म हो रही है। अब देशी अखाड़े खत्म होने की कगार पर हैं। कभी दर्जनों पहलवान अखाड़े में कुश्ती और पहलवानी करते थे, मगर आज इस अखाड़े में गिनती के पहलवान दिखाई देते हैं। आधुनिकता का दौर इन अखाड़ों को खत्म कर रहा है। प्रयागराज की बात करें तो कुश्ती के नाम से रोशन रह चुकी संगम नगरी में यह खेल लगभग दम तोड़ रहा है। यहां के पहलवानों ने प्रयागराज सहित देश के अन्य शहरों में भी अपने पहलवानी का परचम लहराया था। हां, खत्म होते अखाड़े उनके लिए चिंता का सबब जरूर हैं जिन्होंने इसको जिया है। यहां के संचालक पंडित शिवनंदन पांडे पहलवान कहते हैं कि अब लोगों के लिए इसका शौक नहीं रहा, लोग जिम की तरफ मुड़ चुके हैं। अब लोगों के अंदर शौक उतना जागरूक नहीं है मिट्टी के हिसाब से जो है जी। और जिम की तरफ लोग भाग रहे हैं जी। और हम तो चाहते हैं कि मिट्टी में जो आनंद है, जो सुख है जी। वो जिम में नहीं मिल पाएगा। यहाँ आदमी वहाँ टेक्निकल से उठाता है, यहाँ जो है हार्ट से मतलब जो है कलेजे से लगता है आदमी। और दांव में भाग दौड़ ज़्यादा रहती है, निकल बैठ। जैसे रूम घूमना हुआ, रूम के घूमने साथ साथ टिप्पी मार जाते हैं, ढेकली मार जाते हैं, या और बगल से कला जंग बैठ जाते हैं, सामने खड़े होके ढाक मार देते हैं, बगल बैठ के उठा लेते हैं, यही कारण है लोग। पंडित शिवनंदन पांडे पहलवान कहते हैं कि सूने अखाड़े को देखकर बहुत पीड़ा होती है। कभी वहाँ सैकड़ों युवाओं की भीड़ रहती थी। पहले के दौर का जिक्र करते हुए वो कहते हैं, पहले तो अखाड़ा ये पूरा भरा रहता था, कम से कम सैकड़ों लोग आते थे संध्या सुबह। और फिर उसके बाद जब धीरे धीरे ये आपका इंग्लिश कसर चलने लगा तो उसके बाद वो तब सब लड़के जो है उधर भाग गए। नाग पंचमी दंगल होता था हमारे लोकनाथ व्यायामशाले के अंदर, तमाम भीड़ ये अखाड़ा पूरा भरा रहता था। वैसे कुश्ती का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। महाभारत में भीम और जरासंध से लड़ाई भी मल्ल युद्ध का ही उदाहरण था। इस प्रकार के युद्ध में एक नैतिक भावना रहती थी, उनके वर्णन में ये बात बखूबी पता चलती है। कभी दर्जनों पहलवान अखाड़े में कुश्ती और पहलवानी करते थे, मगर आज इस अखाड़े में गिनती के ही पहलवान दिखते हैं। आधुनिकता का दौर इन अखाड़ों को खत्म कर रहा है। ईटीवी भारत के लिए प्रयागराज से आशीष भट्ट की रिपोर्ट।